any thoughts from our mind. So let's start the program with a prayer song. Thank you.
on titles that honor people, but people that honor titles. We the students have tried our best to show our gratitude to our teachers through these titles. Titles for the manager of our school, Reverend Father Vinod, impeccable. Title for the principal of our school, Reverend Father Olive Painter, commendable. Respected teachers, requested to stand up at the place when their name is called. Now, I would like to start the title ceremony for the three candidates. Headmistress of the three candidates, Sister Mary, child matter. Shafali Singh Ma'am, Ms. Versatile. Ranjana Shavasana Ma'am, Ms. McHugh. Shilpi Pawar Ma'am, Ms. Felicity. Numa Palyal Ma'am, Ms. Consensual. Shalji Singh Ma'am, Ms. Plucky. Fatima Khan Ma'am, Ms. Fastidious. Aradhana Chan Ma'am, Ms. Pavli Deepa. Shalini Diwali Ma'am, Ms. Articulate. Nandari Singh Ma'am, Ms. Tenacious. Veena Nikki Ma'am, Ms. Majnuni. Deepa Kumari Ma'am, Ms. Cooperative. Jyoti Juliana Santiago Ma'am, Ms. Convivial. Shweta Gaurav Ma'am, Ms. Vibrant. Kavita Sinha Ma'am, Ms. Exuberant. Sharon Joshi Ma'am, Ms. Inventive. Cindy Kuryakos Ma'am, Ms. Resourceful. Thank you teachers for planting us like seedlings in grounds of knowledge. छोटे छोटे पांव से चला जो स्कूल की तरफ तो क्या बताऊं क्या क्या देखा वहां खड़ा था कोई बाहों को फैलाए और प्यार से कहा कि बेटा जाओ यहां तो छोड़ मम्मी का हाथ चला मैं उनके साथ और पीछे मुड़ के बाय कह दिया इस तरह चैप्टर वन शुरू किया उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े मेरे सासा वालों का जाने कैसे था जवाब उनके पास चुप्पी में भी सुन लेते थे आंखों को पढ़ते थे जान लेते मेरे दिल की बात मैं छुप छुपा के करता रहता था शरारते मगर वो जेम्स बॉन्ड के जैसे मुझे ढूंढ लेते फिर सजा के तौर पर कठिन सा कोई एक सवाल खड़ा वो मुझको करके झट से पूछ लेते फिर भी छोड़ मम्मी का हाथ चला मैं उनके साथ जादू सा था कुछ उन्होंने किया मैंने खुद को जैसे सौंप ही दिया
पड़ी तो थोड़ा मैं सहम गया, सोचने लगा ये आंखें कैसे और क्यों हुआ। इतने में वो मुस्कुरा के बोले, देखो बेटा जी ये पहली गलती, माफ ना दोबारा होने देना जी। सर झुका के मैंने भी सॉरी झट से कह दिया, फिर भी सौ सौ गलतियों को बार बार था किया। गिर पड़ा मैं जब भी तो सहारा झट से दे दिया, धीरे धीरे पंख लगे तो आसमां भी दे दिया। मैं छोड़ मम्मी का हाथ, चला था उनके साथ, है थैंक यू कहने की बारी आज। ओ टीचर तुम हो मेरे सर का ताज, ओ टीचर तुम हो मेरे सर का ताज। कभी मुस्कुराते हैं वो, कभी गुस्सा करते हैं वो, हमें है यकीन हमसे प्यार करते हैं वो। दिए की ज्योति सीप में मोती, ये दुनिया इतनी हसीन ना होती, हम में भी सलीका ना होता, जीने का तरीका ना होता। ओ टीचर तुमसे ही पाया है सभी, ये भूलेंगे ना तुमको हम कभी। छोटे छोटे हाथ, छोटे से पांव थे, नन्ही सी आंखों ने जब देखा था तुम्हें, न था मालूम कि तुम ही तो दोगे पहचान हम सभी को, इसलिए शुक्रिया दिल से तुमको। दिए की ज्योति सीप में मोती, ये दुनिया इतनी हसीन ना होती, हम में भी सलीका ना होता, जीने का तरीका ना होता। ओ टीचर तुमसे ही पाया है सभी, ये भूलेंगे ना तुमको हम कभी। लड़खड़ाते हैं हम, थाम लेते हैं कि वो खो जाए राह तो राह रोशन करते वो। छोटे छोटे हाथ, छोटे से पांव थे, नन्ही सी आंखों ने जब देखा था तुम्हें। ओ टीचर तुमसे ही पाया है सभी, ये भूलेंगे ना तुमको हम कभी। Thank you.
but as a place to be allies to each other and build a better world for all of us. Thank you. अरे टीचर कहाँ है? मुझे क्या पता, ढूंढ के लाना। अरे तू सिंसेर है, तू जाना। ओह सॉरी मैम, इट्स ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, रोल नंबर 7, डोंट यू हैव मैनर्स? ओह सॉरी मैम, come again and give me your glasses. Ma'am, there is a new student in the class. Oh, who is he? Yes, ma'am. Oh, you are a new student. What is your name? MP, ma'am. What that? Mohan Pal, ma'am. What is your father's name? MP, ma'am. What that? Manoj Pal, ma'am. What is your native place? MP, ma'am. Oh, Madhya Pradesh? Manipur, ma'am. What are your hobbies? MP, ma'am. What's that? Multiple, ma'am. Then why you are in this small school? MP, ma'am. What's that now? Money problem, ma'am. Oh God, MP. What's that, ma'am? Mentally puncture. MP, ma'am. What's that now? My pleasure, ma'am. Oh God! अरे यार बोर हो गए। अरे कल तूने शिनचान का एपिसोड देखा? हाँ देखा, कल शिनचान नन्हा को दीदी के घर गया था। शिनचान नन्हा को दीदी के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया था, वहाँ पे उन्होंने आइसक्रीम खाई और शिनचान नन्हा को दीदी की गोद में सो गया। मैम आ गई। क्लास व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज व्हाट यू डू इन एब्सेंस ऑफ योर टीचर? ओह सॉरी मैम, वेरी इनडिसिप्लिन क्लास। वेट टिल द नेक्स्ट टीचर कम्स। ले जा थोड़ा बर्फ पे घिसले, भेजा सॉरी, ले जा माफी, दे जा हमको फ्री। 1 2 3 सॉरी सॉरी सॉरी, पकड़े ये दोनों बांध क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लागे जान क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, महंगी है एक मुस्कान क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लागे जान क्या। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, mistake bit। अरे गेम्स पीरियड है, आज हम फुटबॉल खेलेंगे, आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। सर कैन वी मेक द लाइन? नो। व्हाई सर? ड्यू टू द लास्ट नाइट हैवी रेनफॉल, फील्ड इज वेट, सो वी विल नॉट गो फॉर गेम्स पीरियड। छन से जो टूटे कोई सपना,
जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। आज इंग्लिश मैम एब्सेंट है तो ये पीरियड फ्री है, लेकिन ज्यादा शोर मत मचाना वरना जोश सर आ जाएंगे। What is happening here? Why are you making so much noise? Sorry sir, sorry sir. Stand till the next teacher comes. Good morning students. So today we are going to learn a new chapter which is trigonometry. In this chapter we are having an important formula which is cos square theta plus sine square theta is equals to 1. Now repeat after me. Cos square theta plus sine square theta is equals to 1. Again. बाकी सब्जेक्ट्स में हम कुल बस मैथ्स में डब्बा घुल घुल। अभी तक तो मस्ती बहुत हो गई, बट वी थैंक यू टीचर। थैंक यू फॉर योर सैक्रिफाइस एंड ऑल व्हाट यू हैव डन। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। फिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। काफिराना दिल से दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। थोड़ी मन मानिया हो थोड़ी ना हो, शरारतें भी थोड़ी जरा, थोड़ी बेईमानियां।
रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झीली सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जो भी तू कहे सारा मैनू झूठा लगदा ना मेरे जैसा मिले कैरेबियन टू कच अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच ये नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच पंजाबन नाच हो आजा सके आजा हो आजा कमरे हिला जा हो सारे मूड जमा जा हो मौसम ताजा ताजा सारी दुनिया में जी हिट है पंजाबी सच नाच पंजाबन रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। So students, first we will have the attendance and then we will continue with the studies. Saksham. Present sir. Mahi. Present sir. Aviral. Present sir. Atharv. Present sir. Tanishk. Present sir. चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? We all are doing well sir. Okay बच्चों, A plus B का whole square बताओ। भाई मैं तो दिवाली पर कुर्ता पजामा पहनूंगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ तुम्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता नहीं होगा, तुम लोगों को कुर्ता प्लस पजामा का होल स्क्वायर ही बता दो। मैं आई कम इन सर। अभी ये मुझे कुर्ता प्लस पजामा का होल स्क्वायर बता रहा है और तुम महाशय ये क्या पहन कर आ रहे हो? कल फाइन लेकर आना। गुड मॉर्निंग सर। लेट अस स्टार्ट नाउ। Give me a bottle. मार दिया जा, छोड़ दिया जा, बोल तेरे साथ क्या सुधार किया जा। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। Music. Yeah.
So students, as you all know, you are going to have your exams in some days. So today we will take a revision class. Okay ma'am. क्या बात है सक्षम, इस बार लग रहा है पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। यस मैम, इस बार अपने पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है कि मैं लूजर नहीं हूँ, मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। वेल डन सक्षम, कीप इट अप। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हार्ड वर्किंग। बाकी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पापा, मेरा रिजल्ट आ गया, देखो ना कितने अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। अच्छे मार्क्स? 90% मार्क्स अच्छे होते हैं? शर्मा जी के बेटे के 98% आए हैं। सीखो कुछ उससे, तुम किसी लायक नहीं हो। How was your result? Great ma'am. Nice ma'am. क्या हुआ सक्षम, सुबह से देख रहा हूँ कि तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो।
aware that your son was feeling depressed and losing his focus from studies. What? Knowledge can never be defined from marks. Marks never make anyone successful. Success depends on knowledge. And secondly, stop comparing your child from others. He just scored 90% marks. और हमें अगर knowledge होती तो marks भी आते. आपको पता है, when I was in 12th standard, I scored just 59%. And today, I am teaching your son and many more students. I am so sorry, ma'am. हम इसको समझ नहीं पाए. आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा. Father Sebastian, Reverend Sisters, Honorable Teachers, and my dear students. Teachers are the source of inspiration and of transformation. It is true with all our teachers. All our teachers are source of inspiration and transformation to all of you students. In the recent years, many Supreme Court judges have told that the learned and experienced people must speak out the truth. And it is true that we, the teachers, need to speak out the truth to the students and to the society so that the truth can exist and truth can win. We know in the present scenario, media influences every one of us. Every people in the society, especially the children, and all of us are influenced by the media, and especially by the social media. We get a lot of information from the social media, and all of us are aware of the WhatsApp University, that which gives information whether true or wrong, much of wrong and less of truth. Therefore, it is the duty of the educators, the teachers, to influence the students with the truth, to tell them the correct and the real thing that they need to learn and they need to practice in their life. An young man went for a party. There he met with an old man. Then this young man realized that the old man is his teacher. Therefore, he went closer to that old man and said, "You are my teacher." The old man asked him, "What are you doing?" And this man told, "I am also a teacher." Then the old man asked him, "What inspired you to become a teacher? What moment of your life has made you to become a teacher?" Then the young man told, "One day in a classroom, one of my close friends brought a brand new watch to the classroom. I saw it and I wanted to get it. I had a long desire for a watch and I did not have. But my friend brought a watch which was given by his father who came from abroad. Without his knowledge, I stole that watch and put it in my pocket. After some time, this boy realized that he lost his watch. Therefore, he complained to you, teacher. You asked every one of us to give back the watch to that boy who lost it. But I wanted to have it and therefore I did not give it back to that boy. Thereafter, you closed the door of the classroom and
You told every one of us to close our eyes. All of us closed our eyes and you told that you are going to check the pockets of every one of us. Starting from first, till I find the watch, I will be checking your pockets. You started from the first student, went on searching the pockets of every one of us. When you came near to me, you put your hand in my pocket and you found the watch in my pocket and you took it and put it in your pocket. But you never stopped searching the other students. You continued till the last student whose pocket was checked. And finally, you told all the students to open the eyes and said that I have found the watch and gave back to the student who lost it. That day, you honored me. You never allowed me to lose my self-respect. Therefore, from that moment, I decided to become a teacher like you. You are my inspiration and you are the one who transformed me. As my dear students, our teachers are the source of transformation and inspiration to all of us. That is why we need to learn from them. Today you honored all the teachers with the different programs and different words. And this must be the attitude toward your life. Not only today, all throughout your life, this must be the attitude towards your teachers. They are the ones who form you, they are the ones who train you, and they are the ones who take you to the heights. Teaching is not a profession, but a vocation. Means it's a way of life. Teaching is not a profession, but a way of life. And all our teachers are doing it. Their way of life has inspired you, and therefore they have passion for teaching. They have passion for teaching, that is why they come daily to you to give knowledge and show their life example to you. They are the ones who prevent conflicts in the society. They have to face a lot of difficulties in their life and they have to inspire you. They are the source of inspiration and they are the ones who prevent conflict in the society. When they educate you with the good values, when you return back to the society, you avoid conflicts and you become a source of dialogue with your parents or the other family members. Therefore, teachers are the people, or the educators are the people who have a constant dialogue in the society in order to avoid conflicts. Therefore, my dear students, let us continue to honor our teachers. Let us continue to respect them throughout our life, not only when we are in the school, but even after when we return back to the society and when we have our own way of life, let us continue to honor the teachers so that the society can live in a peaceful way and society will not have any conflicts or any difficulties and all of us can live in dialogue and in peace and harmony. Once again, I thank all the teachers for your sincere service to the institution and your dedicated life here in this institution and also in the society and also be in the minds and hearts of the students. Thank you. God bless you. Good morning to all. It's a great pleasure and honor to propose a vote of thanks on this occasion. With due respect, I extend a hearty vote of thanks to the manager of the school, Reverend Father Noida, for his constant support and encouragement. Further, I would like to offer my thanks to our principal, Reverend Father Noida, for being our pillar of strength and stimulating us to do our best. My sincere thanks to Reverend Father Sebastian for your presence in timely assistance to the institution. My heartfelt thanks to the coordinators for their teamless and wonderful ability to coordinate well and manage efficiently.
I thank all the participants for taking part in the program with great enthusiasm. I acknowledge the contribution of the cultural community along with the council members who worked hard to make this celebration a great one. With great sense of appreciation, I thank our loving teachers for their untiring efforts. Last but not